आज तीन चीज का क्लास आप लोग का ले रहे हैं, माइक, रिंगर और एयर पीस। ये कान के नजदीक सुना जाता है, ये रिंग टोन बजता है, गाना बजता है, और ये माइक इससे आवाज लिया जाता है। इसका मतलब होता है साउंड से करंट में परिवर्तन करना, इसको इसका मतलब होता है करंट से साउंड में परिवर्तन करना। और ये एयर पीस, एयर पीस का मतलब ये होता है कि आपके एयर में साउंड गमन नहीं करना, और रिंगर का मतलब होता है एयर में साउंड गमन करना। ठीक, लेकिन एक मल्टीमीटर से कैसे इसको ट्रेस करेंगे कि ये सही है या खराब है, इसको आज हम ट्रेस करके हम बताते हैं। माइक एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा। प्लस में प्लस लगाने पे नहीं चलेगा, उल्टा लगाने पे चलेगा, और चलेगा तो 900 आर से 1400 आर के लगभग मान आएगा। 1400 आर के लगभग मान आएगा तो माइक ओके है, माइक सही है। अगर दोनों तरफ से नहीं चला तो माइक खराब है, दोनों तरफ से चला तो खराब। ठीक, अगर दोनों तरफ से नहीं चला तो माइक खराब है, दोनों तरफ से चला तो माइक खराब है। एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा, और चलेगा तो 900 आर से लेकर 1400 आर के लगभग मान आना चाहिए आपका। ठीक, माइक तीन प्रकार का होता है, यूनिवर्सल माइक 2 लेग, आईसी माइक 3 लेग और सेंसर माइक 5 लेग। इसमें यूनिवर्सल माइक का दिया गया है। और उसके बाद हम आते हैं स्पीकर रिंगर के तरफ। रिंगर मोबाइल के अंदर बड़ा सा स्पीकर लगा होता है जिससे गाना, रिंगटोन ये सब बजता है। इसमें इसके अंदर क्वाइल लगा रहता है, मैग्नेट लगा होता है, और क्वाइल का एक मान होता है। क्वाइल का मान के 8 से 10 बीप मारते हुए, 8 से 10 बीप मारते हुए मल्टीमीटर को बीप रेंज में रख करके, 8 से 10 अगर बीप मारते हुए आ रहा है तो स्पीकर आपका सही है, इसका क्वाइल सही है। अगर बीप नहीं मारा तो खराब है। अगर कम मान आया, जैसे कि 8 से 10 आ रहा है, वही अगर 2 3 4 5 6 आ रहा है तो माइक का क्वाइल जो है ये शॉर्ट है और स्पीकर सही से नहीं बजेगा। ठीक, स्पीकर रिंगर 8 से 10 बीप मारते हुए आना चाहिए। एयरपीस का मान होता है 25 से 30 आर बीप मारते हुए। इसलिए कि एयर पीस एयर में साउंड गमन नहीं करता है और इसका क्वाइल बड़ा होता है, इसलिए इसका मान ज्यादा होगा और 25 से 30 आर आना चाहिए और बीप मारते हुए आना चाहिए। और ये अगर इससे कम आ रहा है या 10 20 से नीचे आ रहा है तो आपका एयर पीस खराब है, और एयर पीस खराब होने पे आपका कान के नजदीक आवाज सही से नहीं आएगा और काम नहीं करेगा। एक बार फिर हम आप लोग को ऊपर से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइक पीसीबी बोर्ड के नीचे लगा होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें उल्टा सुल्टा नहीं लगाते हैं, इसमें प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लगाते हैं। रिंगर इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस लगा सकते हैं, इसलिए कि इसमें एक क्वाइल का यूज है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। प्लस माइनस उल्टा सुल्टा लगा सकते हैं, काम करेगा, और ये भी उल्टा सुल्टा लगा सकते हैं और काम करेगा। इस दोनों में उल्टा सुल्टा कोई दिक्कत नहीं है, काम करना चाहिए, लेकिन सबका अलग अलग मान होता है। माइक का मान 900 आर से 1400 आर, रिंगर का मान 8 से 10 बीप मारते हुए, और एयर पीस का मान 25 से 30 बीप मारते हुए आना चाहिए, तो आपका सही है। ठीक है, बहुत